नमस्कार, दोपहर की नंबर वन डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश में शिक्षा का अधिकार और मुफ्त शिक्षा की वकालत वक्त वक्त पर होती रही है। शिक्षा में सुधार को लेकर बहुत से आंदोलन हुए हैं, आप भी उसके गवाह बने। कई मांगे उठी। 2009 में देश को शिक्षा का अधिकार कानून मिला, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी इस अधिकार के दायरे से बाहर रहकर मजहबी तालीम के भरोसे। मदरसों की इसी शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग यानी NCPCR ने सवाल खड़े किए। बहुत से राज्यों से मदरसा बोर्ड को बंद करने की मांग की। NCPCR ने मदरसों को बंद करने के साथ ही उनसे मिलने वाली फंड को, जो उनको फंड मिलता है, उसको रोकने की भी सिफारिश की है। और इसके पीछे बाल आयोग ने कई वजह भी बताई है क्यों मदरसों को बंद करने की जरूरत है। वैसे भी मदरसों को बंद करने की मांग देश के कई हिस्सों से अक्सर सामने आई, आपने देखा भी है, जिसके पीछे लोगों ने मदरसों में होने वाले गैर कानूनी काम, देश विरोधी गतिविधियों को बताया, साथ ही साथ बच्चों के शोषण को भी बताया। देश में ऐसे कई मदरसे हैं जो शिक्षा के नाम पर शोषण और लूट का अड्डा बने हुए हैं। ऐसे में NCPCR ने इन्हें इस्लामी प्रचार का केंद्र बताकर संविधान के खिलाफ काम करने वाला कहा है। तो सवाल यही, क्या देश के इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए? इसी पर आज चर्चा करेंगे, दोनों तरफ के लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। मदरसों में फंडिंग पर बहस के बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग यानी कि NCPCR ने तमाम राज्य सरकारों को खत लिखा है। इस खत के जरिए मदरसा बोर्ड को खत्म करने को कहा गया है। साथ ही गैर मुस्लिम छात्रों को RTE स्कूल में एडमिशन देने की मांग की गई है। NCPCR ने सभी राज्यों को खत के जरिए कहा है कि मदरसे शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाला जाए, गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, मुस्लिम बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, सभी बच्चों को RTE का निर्धारित सिलेबस पढ़ाया जाए, मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए, वित्तीय मदद बंद की जाए। NCPCR देश के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली को लेकर काम कर रहा है। ऐसे में अब बाल संरक्षण आयोग की इस मांग के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। मदरसे बंद करने की मांग क्यों है? NCPCR के मुताबिक तमाम मदरसों के पास ट्रेन टीचर्स नहीं है। मदरसों में बुनियादी शिक्षा का अभाव है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का शोषण हो रहा है। मदरसों को नियमों से ज्यादा वित्तीय मदद मिल रही है। ऐसे में राज्य के फाइनेंशियल फंड की जरूरत नहीं है। मदरसा बोर्ड बुरे कर्मों को छिपाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। मुस्लिम छात्रों को भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। तमाम मदरसे इस्लामी प्रचार का केंद्र है। सुप्रीम कोर्ट में भी NCPCR हलफनामा दायर करके मदरसाई शिक्षा पर सवाल खड़े कर चुका है। वैसे भी कई बार मदरसों में होने वाले कारनामों पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसके पीछे कई वजह हैं, जिन्हें इन घटनाओं में समझ सकते हैं। घटना नंबर एक, मदरसे में नकली नोट। अगस्त के महीने में प्रयागराज पुलिस ने एक मदरसे से 1.5 लाख के करीब नकली नोट बरामद किए। बाद में इस मदरसे को सील कर दिया गया। घटना नंबर दो, मदरसे में जिहाद का सामान। सितंबर में प्रयागराज के इसी मदरसे में जिहादी किताबें बरामद की गईं। इन किताबों में हिंदू धर्म को आतंकी बताया गया। किताबों में बच्चों को जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करने की तकरीरें मिली। घटना नंबर तीन, मदरसे में बच्चियों से बलात्कार। 17 अगस्त को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक मदरसे में बच्चियों से रेप का मामला सामने आया। 56 साल के मौलवी पर 5 मासूम बच्चियों से बलात्कार का आरोप लगा। मस्जिद के ऊपर का जो वो यहाँ पर वो अवैध मदरसा टाइप बना हुआ था, जिसमें ये मौलवी था, वहाँ पर इस मौलवी के पास उर्दू सीखने जाते थे। छोटी बच्चियों को जो 5 से लेके 8-9 साल के होते हैं, उन बच्चियों को वहाँ पर रुकवाता था दोपहर में ज़्यादा देर तक। जब ये सारे फ्री हो गए, लड़के फ्री हो गए, बड़े लड़की फ्री हो गए, लड़कियाँ फ्री हुए, तो इन बच्चियों को अलग सा अपना AC कमरे में ले जाता था। उस AC कमरे में साथियों वो उन बच्चियों को पोर्नोग्राफी दिखाता था, छोटे छोटे बच्चियों को, 8 साल की मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियोस दिखाता था। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते हैं। कई मदरसों पर टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने तक के आरोप हैं। कई मौलवियों को देश विरोधी गतिविधियों में पकड़ा तक गया है, जिनमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तरीके के मदरसे शामिल हैं।
ऐसे में मदरसों की एजुकेशन क्वालिटी और मदरसा बोर्डों पर कई सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते आए हैं। तो देखिए, जो बातें सामने आई, जो आरोप लगे, जो दलीलें दी गई, वो आपने यहाँ पर सुना। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं कि कौन से आज मेहमान है जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। हमारे साथ में अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद फैज खान साहब राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद भाई हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हाफिज़ नूर अहमद अजहरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत सोच विचार के एक एक बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, कुछ मामले सामने आए, NCPCR की तरफ से मांग की गई है। मैं ये आपसे जानना चाहता, उनकी तरफ से बता दिया गया कि मदरसे क्यों ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसे क्यों ज़रूरी हैं, क्या वजह है? मदरसे इस्लाम की रीढ़ है, मदरसे हमारी ज़रूरत है। वो इसलिए कि मदरसे, हमारे मदरसों में इस्लाम और अल्लाह उसके रसूल की बातें बताई जाती हैं, और वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं कि वहीं से हमें जानकारी मिलती है, मदरसों से ही, कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम रोज़े कैसे रखेंगे, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, रोज़े के फ़राइज़ क्या हैं। इसके अलावा जो इस्लाम के सुतून है, 5 सुतून, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उसकी सही व्याख्या कहीं से मिलती है तो मदरसों से मिलती है। वहाँ जैसे कि आपके यहाँ मंदिरों के लिए उसके जिम्मेदार बनाने के लिए कहीं ना कहीं धर्म की ही पढ़ाई पढ़ के पहुंचते होंगे, ऐसे हमारे यहाँ धर्म की पढ़ाई, जो हमारी कुरान और अहदीस के उसकी मीनिंग, उसका मतलब, उसका सियाक व सबाक जानने के बाद में जो उलमा और आइम्मा और हुफ्फाज और कारी तैयार होते हैं, मदरसों में ही तैयार होते हैं, और वो मदरसे हमारे मजहब की रीढ़ है। ठीक है, मतलब अगर आपको मौलाना बनना है या फिर आपको कोई मस्जिद को देखने वाला दीनी जो शिक्षा होती है उसके लिए मदरसे जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए मैं आज आराम से चर्चा करना चाहता हूं, मैं इसीलिए ये बताइए, क्वालिटी एजुकेशन से बच्चे महरूम हो जाते हैं, वो उनको नहीं मिल पाती है, और इसीलिए कहा गया है कि उनको स्कूलों में भर्ती कराया जाए, इस पर बताइए क्वालिटी एजुकेशन। आज के दौर में मदरसे भी जो बहुत हाईटेक हुए हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, मदरसों से पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े बड़े बड़ी बड़ी उन्होंने मंजिलें तय की हैं। ये तो एक सिर्फ आरोप है, जो सरकारें होती हैं, हुक्मरान होते हैं, उनके जो नजरियात होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, वही लोग पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ चापलूस किस्म के लोग, कुछ सरकार पर यहाँ पर आरोप भी लगाए गए हैं कि सरकारें होती है वो इस तरह की बातें करती है, लेकिन सरकार ही है जो मदरसों को हाईटेक करने की बात करती है, सरकारी है जो मदरसों को हाईटेक करने की भी बात करती है, और फिर वहां पर भी आपत्ति जताई जाती है कि हमारे मसलात में दखल नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमारे हमारे बहुत सारे मदरसों को सरकार ने जो अनुदान दिया है, वो मदरसे वैसे ही चलते हैं जैसे हिंदी मीडियम के स्कूल वगैरह चलते हैं, CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, वैसे ही हमारे मदरसे, बहुत सारे मदरसे दीनी तालीम के साथ साथ में असली उलूम भी पढ़ाया जाता है। हालांकि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलग अलग है, हम इसको अलग नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि इल्म सीखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर मुसलमान, मैं कह रहा हूं कि अगर हायर एजुकेशन मिलती, क्वालिटी एजुकेशन मिलती, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता थे नोमानी, उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चों को ज्यादा पढ़ाया मत करो, बच्चों को ज्यादा पढ़ाओगे तो फिर उनको शादी के लिए कुछ मिलेगा नहीं, ये उनकी तरफ से कहा गया था ना, वो तो सारे बच्चों को वहां पर मदरसों में पढ़ने के लिए बोलते होंगे। अंबर जैदी जी, बड़ी लंबी चर्चा हुई थी, हाँ हुई थी, मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया यहाँ पर कि उन्होंने अभी एजुकेशन को लेकर क्या कहा था, तो एक सोच क्या है एजुकेशन को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर क्या है, वो भी मैंने यहाँ पर बात। अंबर जैदी जी, NCPCR की तरफ से जो मांग की गई है, क्या आप उसको सही मानती हैं और क्यों मानती हैं? देखिए मानसून, मुझे लगता है कि बहुत ही अहम मुद्दा है, खासतौर से जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए, हर भारतीय बच्चे का जो अधिकार है समान शिक्षा का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरी तरफ लोग ये प्रोपेगेट करते हैं कि हमारा धार्मिक अधिकार है, और संविधान हमें कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर एक कैप होना चाहिए, कितने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर कितना काम करेंगे, कितने मौलाना कितने आलिम हमें चाहिए, वो क्या इंडिपेंडेंट है, क्या वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, किस तरह के ब्रेन्स निकल रहे हैं,
जिन मदरसों में अलगाववाद और देश के विरोध में शिक्षा सिखाई जाती है, समाज में अलग थलग रहने की जो एक प्रवृत्ति सामने आकर निकल के आती है, हम जाकिर नायक को भी देख रहे हैं, कल हमने जो हमने नुमानी साहब का भी बयान पे चर्चा की थी, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि जो लड़कियां शादी नहीं करती वो बाजार होती है, लड़कियों को उच्च पद पर CM PM नहीं होना चाहिए, उस समाज के मर्द मर गए हैं क्या, औरतों को बड़े पद पर नहीं होना चाहिए, उनको घरों में रहना चाहिए, तो इस तरह की जो मानसिकता निकलती है क्या वो हमारे देश के लिए और समाज के लिए सही है? और सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की हमने बात की, NCPCR कई वर्षों से काम कर रहे हैं बच्चों के अधिकारों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सर्वे कराया था उसमें 25,000 ऐसे मदरसों में से 8,500 मदरसे वो निकल कर आए जो कि रिकग्नाइज नहीं थे, और 6,500 मदरसे उसमें से ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो कहां से और कैसे आ रहा है, बच्चों की जो बेसिक राइट्स हैं उनके उनको किस तरह का खाना मिल रहा है, उनकी उनकी स्वास्थ्य शिक्षा, खास तौर से बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी जेंडर के बच्चे, उनके साथ यौन शोषण की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो ये बच्चों के अधिकार और सुरक्षा की बात है, मुझे लगता है कि हर बच्चे की सुरक्षा और अधिकार सरकार की जिम्मेदारी और अहम कदम उठाने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अमर जी, ये सिर्फ मदरसों को बदनाम करने की बातें हैं, ये आपको लगता है, आपको लगता है कि अगर आप बदनामी के डर से अगर आप गलत चीजों को ढकते रहना चाहते हैं तो ये आप अरे ऑडियो बढ़ाइए ना जरी साहब का, बच्चों के साथ इस्लाम के साथ और अपने अल्लाह को आपको मुंह दिखाना है कि हमारे मदरसों में अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो हमें डट कर एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बच्चों के साथ हम मदरसों में इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छा अंबर 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 ये बहुत जरूरी बात है। देखिए जो आपने कहा, आपने कहा कि मदरसों में सुधार की बात होनी चाहिए, अजहरी साहब ने भी कहा कि दीनी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपी में सिर्फ 25,000 मदरसे उस आप कितने मदरसों की जरूरत है, मुसलमान बच्चों को जरूरत है स्कूल की, कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज है, हम मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। अभी कल या परसों आप लेक्चर आप दे रही थी कुरान इकरा का माना पढ़िए, फिर आप उसको पता नहीं कहाँ से उसकी शर्म कर रही थी, व्याख्या व्याख्या कर रही थी, जब आपको दीन के बारे में मालूम नहीं है तो आप क्यों बोलती हो? नहीं दीन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलना आपने सीखा है, अगर अंबर जदी ने भी कहा तो अंबर जदी ने शिक्षा पर जोर दिया है, इससे पहले भी जब मेरी बात हुई थी तब भी उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था, नहीं नहीं वो भी शिक्षा पर जोर दे रही है। अच्छा एक मिनट सैयद जम्बाद भाई देखिए आप हैं अतीकुर रहमान साहब है और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब है, आज तीनों लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये मैंने देखा है बहुत तर्कों के साथ मजबूत तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, इसलिए सैयद जवाद भाई जरा बताइए अगर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराया जाए, गैर मुस्लिम बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन कराया जाए और मदरसा शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये NCPCR के खत में लिखा गया है, आप इस खत पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। देखिए अभी जो प्रियांक कांगुर गो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है NCPCR का, मुझे उनके कभी कभी विचारों पे हंसी आती है क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अंदर अपनी जो है चाहते हैं कि जगह बन जाए या बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए क्योंकि पूरा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हैरत की बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने सरकार तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर भी है, महाराष्ट्र सरकार क्या कह रही है? कह रही है कि वहां मौलवियों को मदरसों की अंदर जो पढ़ाने वाले हैं उनकी शिक्षा जो है 3 गुना बढ़ा देंगे, डूब करके मर जाना चाहिए इस वक्त NCPCR के जो है प्रियांक कानून वो है उनको डूब करके अपने चुल्लू डुब्बानी में बेगैरती का लेकर के आए और उस बेगैरती को जो है वो मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। बिहार सरकार क्या कह रही है? बिहार सरकार भी ये कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीने हैं उनके ऊपर नए मदरसे खोले जाएंगे, कहां चले गए भारतीय जनता पार्टी के बेगैरत लोग, बोले ना जा करके। अभी अगर नीतीश कुमार का समर्थन हट जाए
तो सरकार गुलकू हो जाएगी, क्योंकि बैसाखियों पर है। हाँ। और उधर देखिए चंद्र बाबू नायडू क्या कह रहे हैं। हाँ। कि मदरसों, उनका मैनिफेस्टो है भाई साझा। हाँ। कि हम मदरसों को अनुदान देंगे, नए मदरसों के अंदर जो है तमाम तरीके की हम फैसिलिटीज देंगे और मदरसों का जो है आधुनिकरण भी करेंगे, अच्छे मदरसों को और मौलवियों को अनुदान देंगे, मस्जिदों का अनुदान देंगे, जो मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उनकी तनख्वाह पढ़ाएंगे। अरे बेगैरत पार्टी के हैं, बड़का झूठा पार्टी है। अच्छा, समझिए, देश को बलगलाने वाली है। हाँ। झूठों की एक मंडली है भारतीय जनता पार्टी में। मतलब अगर क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात हो, या फिर आपने कहा कि अगर हाईटेक किए जाए मदरसे, तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, ये होना चाहिए। अरे स्कूल भी होना चाहिए सरकारी। आप बताइए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, मैं आपसे मदरसे हाईटेक या फिर मदरसे में अच्छी अच्छी सुविधाओं की बात कर रहा हूं, तो आप स्कूलों पर आ गए। मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मदरसा हमारा टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस पे आप एनसीपीआर का कोई मेंबर बुलाना चाहिए था? उन बेगैरतों की मंडली में से कोई एक बेगैरत मेंबर बुलाना चाहिए था, और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बुलाना चाहिए था, फिर नीतीश कुमार का भी प्रवक्ता बुलाना चाहिए था, फिर जो है वो देखिए पॉलिटिक्स हर जगह होती है, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन मेरा मेन मकसद कि अगर ये कहा गया कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, वहां पर बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अगर वहां पर अधिकार दिए जाए, वहां पर सुविधाएं दी जाए, वहां पर सारे सारे जो संसाधन है वो मुहैया कराए जाए, तो ये अच्छी बात है ना, इससे तो दिक्कत नहीं है ना। अरे मुहैया करवाते ही नहीं है, तो जुमलेबाज की सरकार है भाई, करवाए ना, किसने रोका है? शिक्षा का बजट क्यों घटा दिया गया? माइनॉरिटी का बजट एक बार बताया और घटा दिया गया। अतीकुर रहमान साहब, आपका भी रिएक्शन प्लीज बताइए। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, और इसके साथ ही मदरसा बोर्ड बुरे कर्मों को छुपाने का दिखावा कर रहा है। अनुराग जी, हिमांशु दीक्षित जी, रहमान साहब बहुत दिनों बाद आप आए, तो शायद भूल गए आप। हिमांशु जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ। अभी 2-4 महीने पहले यूपी में कुछ 200+ मदरसों को बंद किया गया था रातों रात, उसके सारे स्टूडेंट्स को बगैर स्कूल के कर दिया गया था, उसके जो टीचर थे उनको सड़क पे ला दिया गया था, वो मदरसा के ऑफिशियल्स कोर्ट गए, शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए, याद नहीं रहा मुझे, और यूपी गवर्नमेंट को फटकार लगी थी उसके ऊपर कि भाई आप रातों रात इस तरह से मदरसा बंद नहीं कर सकते, इन सारे स्टूडेंट्स को आपको कहीं एकोमोडेट करना चाहिए था पहले, इन टीचर्स को पहले एकोमोडेट करना चाहिए था, उसके बाद में मदरसे को बंद करना चाहिए था। फिलहाल सारे मदरसे चलते होंगे, मैं नहीं जानता अंदरूनी मामला क्या है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिस तरह से सैयद जवाद साहब ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो यहाँ पर इलेक्शन क्योंकि फेस करना है, ग्रांट दे रही है, तो ये दोगलापन खत्म हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, आतंकवाद सिखाया जा रहा है, बच्चों के साथ में शोषण हो रहा है, अभी आपने देखा होगा नारा सुपारा में एक स्कूल के अंदर दो बच्चियों के साथ में जब सेक्सुअल वायलेंस की खबर आई थी, तो स्कूल को बंद करा नहीं किया गया, बल्कि उन टीचर्स को अरेस्ट किया गया, कुछ प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया। यहीं पर यहाँ होना चाहिए कि अगर कोई चीज एक इंस्टीट्यूशन के अंदर गलत हो रही है, तो आप सारे इंस्टीट्यूशन बंद नहीं करोगे, समझे ना हिमांशु जी, उसका सुधार करोगे, उन स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए आप एक्शन करोगे। यहाँ पर अगर टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, टेररिस्ट एलिमेंट टेरर एजुकेशन कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सुना? लेकिन रहमान साहब एक बात बताइए, अगर किसी स्कूल में अगर इस तरह की गतिविधि हो रही है तो वहां पर एक्शन लिया जाता है, तो वहां पर कोई ये नहीं कहता कि हमारे स्कूलों पर एक्शन लिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी मदरसे में, जैसे ये मामला सामने आया उधम सिंह नगर में, जहां पर अभी आपने पुलिस का बयान आपने सुना, ऐसे ही जब प्रयागराज में आया कि जहां पर हिंदू धर्म को आतंकी बताया गया, ऐसी किताबें मिली है मदरसे से, एक और मामला सामने आया जहां पर नकली नोट प्रयागराज में बरामद हुए, अगर यहां पर एक्शन होता है तो ये कहा जाता है कि टारगेट किया जा रहा है, तो ये दोहरा रवैया दूसरी तरफ से नहीं है। एक्शन किस पर होता है? हिमांशु जी, एक्शन किस पर होता है? एक्शन उन लोगों पर होता है, उस प्रिंसिपल पे होता है, पूरे इंस्टीट्यूट पे नहीं होता है। पूरे इंस्टीट्यूट सारे मदरसे बंद कर देना, ये बात साबित करता है कि आपको मुस्लिम मदरसा एजुकेशन से प्रॉब्लम है।
अच्छा मुस्लिम एजुकेशन से, ठीक है, क्या हो रहा है उसमें? फैज भाई क्या आपको लगता है, मोहम्मद फैज खान क्या आपको लगता है कि मुस्लिम एजुकेशन से किसी को दिक्कत है? 10 सेकंड दे देंगे मुझे, प्लीज थोड़ा सा रुकिए जब्बार भाई, क्योंकि उनके पास एक बार भी नहीं गया। हाँ मोहम्मद फैज खान, सबकी बात सुनी। मोहम्मद फैज खान शायद आपने म्यूट कर रखा है, एक बार देखिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। स्पष्ट बात है कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जो प्रियंका कानूनगो जी भी कह रहे हैं, शिक्षकों का व्यापक प्रशिक्षण होना चाहिए। और यदि महाराष्ट्र और बिहार में मदरसों को फंड देने की बात हो रही है और इसके विकास की बात हो रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि इसके बारे में अपशब्द या दोगलापन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा हर मदरसों में तिरंगा अभियान चलाया गया है, हर मदरसों में तिरंगा फहराया जाता है, उनको राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि प्रियंका कानूनगो जी की जो बात है वो नकारात्मक नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन हिंदू बच्चों को मिलती है वही मुस्लिम बच्चों को भी मिलनी चाहिए। यदि हिंदू बच्चों के साथ यौन शोषण नहीं होता तो मुस्लिम बच्चों के साथ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी अप्रोच पॉजिटिव है, आधुनिकीकरण की है। और यदि मदरसों में कंप्यूटर की या विज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो दिस इज अकॉर्डिंग टू कुरान। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साइंस टेक का इस्तेमाल करके कश्ती बनाई थी जिससे कि तमाम मखलूकों को बचाया गया था, लेकिन जैसे ही विज्ञान की शिक्षा की बात आती है तो धर्म की दुहाई देकर ये लोग आधुनिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा का विरोध करते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो शिक्षा हिंदू बच्चों को मिल रही है वही हिताया मुस्लिम बच्चों को भी मिलने लगे। फैज साहब की बात पर सही है, जब्बाद भाई हंस रहे हैं, सुन रहे हो, देख रहे होंगे आप, क्या हंसी क्यों आ रही है? मैं क्योंकि देखिए शिक्षा की बात आ रही है, बता दीजिए। हाँ बता दीजिए। मैं इसलिए हंसता हूँ, देखिए क्या है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बहुरूपीय नुमाइंदे आते हैं और वो पीछे से कवर फायर देने की कोशिश करते हैं सरकार को, एक तरफ हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरी तरफ सोनिया। ये सब कांग्रेस वाले लोगों को जानते हैं जो कि सरकार को सुन लीजिए। अरे आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं अपनी बात रख देता हूँ। वो इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग कह रहे हैं कि तिरंगा अभियान हमने मदरसों में चालू करवाया, इतिहास ये है फैज अहमद साहब आरएसएस संघियों का कि 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया और इसी संविधान की धज्जियां भी इन संघियों ने उतारी है। और जिनको अंबर जदी एक मिनट, जब ये बात हो रही है तो दूसरे, क्योंकि देखिए शिक्षा की बात करी फैज खान ने, शिक्षा की बात करी आपने, शिक्षा की बात करी, लेकिन दूसरे मुद्दे पर क्यों ले जाया जा रहा है डिबेट को? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, खासतौर से सैयद जवाब जो बहुत ज्यादा खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूछ लीजिए ये कौन से मदरसा गए थे, खुद तो यहाँ पर टीवी पे बैठकर बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं और हंस रहे हैं बेशर्मों की तरह, जो खुद कभी मदरसे में नहीं गए। ये हिपोक्रेसी है कि ये लोग खुद जाते हैं अच्छे स्कूल कॉलेज, लेकिन जो गरीब मुसलमान है उसको चाहते हैं कि वो गर्द में ही उलझा रहे, वो ना निकले बाहर, इनको नहीं, ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इनके बराबर हो जाए। यही तो मानसिकता, यही राजनीति, यही जो मुस्लिम लीडरशिप इसकी अब तक की सो कॉल्ड लीडरशिप रही है, इसने कभी मुसलमान बच्चों को पता नहीं। अलग अलग तरह की बातें आएंगी, एक तरफ कहा जाएगा कि नहीं होना चाहिए मदरसों को, दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि मदरसों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो सही नहीं है तो उनको बंद होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए क्या जरूरी है, आधुनिक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर जैसे वो मौलाना नोमानी कह रहे थे कि ज्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को, दिक्कत होगी आने वाले वक्त में, वो ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सोच विचार करें जो अभिभावक है। तो वही मदर